हाय गाइस, वेलकम टू द इंडिया गेमर चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं केवी लेक के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे राइजन के मुकाबले में क्या है, स्काई लेक के मुकाबले में क्या है, वगैरह वगैरह। मोटी मोटी बातों से शुरुआत कर लेते हैं, जैसे कि 5-10% की इंक्रीज है इसकी स्टॉक पे। स्टॉक क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन अगर सेम क्लॉक स्पीड पे कर दिया जाए स्काई लेक और केवी लेक को, तो बराबरी परफॉर्मेंस है। क्या कह रहा हूं मैं वो भी आपको बताता हूं। लेकिन कुछ कमाल की बातें हैं जो केवी लेक में देखने को मिली हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो भी मैं आपको बताता हूं। और कुछ प्रथाएं हैं जो इंटेल ने तोड़ दी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। अच्छा, अगर आपको नई जनरेशन को समझना हो ना, तो कुछ जो प्रीमियम प्रोसेसर्स हैं ना, उन्हीं पे एक नजर मार लो तो समझ में आ जाती है बात। फिलहाल जो लोग सब कंपैरिजन कर रहे हैं, जो बेंचमार्क्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह, वो सब आ रहे हैं पुराने अपने 6600K और 7600K के बीच में। और दूसरा जो प्रीमियम बिल्कुल बादशाह होता है किसी जनरेशन का, जो प्रोसेसर 6700K और 7700K के बीच में। और यही आपको पता चलता है देखने में कि 5-10% की इंक्रीज है एट स्टॉक। एट स्टॉक से मेरा मतलब ये है कि जो मतलब कंपनी से ही जो स्पीड थोड़ी बढ़ के आती है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर आप भी जानते हो हमने जो बिल्ड्स बनाए हैं उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है क्लॉक स्पीड बढ़ाने में। हम ओवरक्लॉक नहीं कर सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द बिल्ड्स जो हमने बनाए हैं। भाई, ओवरक्लॉकिंग वाला बिल्ड महंगा होता है, उसकी हम कमी बात करेंगे, सच्चाई बात बता रहा हूं मैं आपको इस चैनल पे। तो अगर कोई फैक्ट्री से ही ओवरक्लॉक प्रोसेसर आता है ना, तो वो अपने काम की चीज है। जैसे मैं आपको छोटे छोटे अंतर ही दिखाता हूं, वैसे 6600K, 7600K, 6700K और 7700K के बीच में, कि जैसे टर्बो हुआ करती थी 6600K की 3.9, अच्छी खासी स्पीड है 3.9 टर्बो, बेस क्लॉक उसकी 3.5 हुआ करती थी। 7600K जो इसका जुड़वा भाई है, 4 कोर वाला, 4 थ्रेड वाला ही भाई, नई जनरेशन वाला, वो 4.2 की टर्बो बूस्ट के साथ आएगा और 3.8 की बेस क्लॉक। अच्छा है, इसलिए मैं कह रहा था 5-10% की इंक्रीज। और वही चीज आप देखोगे, जैसे 6700K था बादशाह, कंज्यूमर ग्रेड प्रोसेसर का बादशाह, वो 4.2 की टर्बो बूस्ट के साथ आता था। मतलब कमाल 4.2 की टर्बो बूस्ट और 4 की बेस क्लॉक। और लेकिन अब 7700K आउट ऑफ द फैक्ट्री, मतलब इसे तो आप ओवरक्लॉक कर लोगे, के वाले प्रोसेसर्स की बात कर रहे हैं हम, लेकिन आउट ऑफ द फैक्ट्री वो 4.2 की तो बेस क्लॉक पे आएगा। मतलब समझ रहे हो, 6700K की 4.2 बूस्ट हुआ करती थी और इसकी बेस है 7700K की। मतलब अभी तो हमने इस पे ओवरक्लॉकिंग की भी नहीं है, कुछ नहीं किया, तब ये इसकी स्पीड है। और उसकी बूस्ट है 7700K की बूस्ट स्पीड है 4.5। इसलिए होते हैं ये बादशाह कंज्यूमर ग्रेड प्रोसेसर्स के, किसी भी जनरेशन के, जो ये i7 आता है 4 कोर 8 थ्रेड वाले। लेकिन एक और खास बात है 7700K में, जो मैं इस पे लौट रहा हूँ, मैं सही बताऊँ फिदा हो रहा हूँ, मैं आपको वो भी बताता हूँ। लेकिन फिलहाल मेन बात कर लें, बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है, सब एक ही सॉकेट पे हैं, LGA1151। मतलब कोई अभी परेशानी की बात नहीं है, सॉकेट नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए इकोसिस्टम वही काम करेगा जो पुराना काम कर रहा था। मतलब वही मदरबोर्ड है वगैरह वगैरह, सब कुछ वही है। कैश में भी इनकी कोई अंतर नहीं है, नए जनरेशन का प्रोसेसर जरूर है, आर्किटेक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन और कुछ चेंज नहीं हुआ है। जैसे इनकी कैश है 6600K पे आपको 6 MB की कैश मिलती थी, 7600K पे भी आपको 6 MB की कैश मिलेगी, 6700K पे आपको 8 MB की मिलती थी, 7700K पे भी आपको 8 MB की मिलेगी। और ये सब एक तरफ से 14 नैनोमीटर वाले हैं, सब एक तरफ से जो इनका आर्किटेक्चर है वो 14 नैनोमीटर वाला है। ग्राफिक्स की बात कर लें, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, अब मतलब पुराने जो 6th जनरेशन वाला स्काई लेक था उसपे 7600K और 7600K कह रहा हूँ 6600K और 6700K पे आपका HD 530 आता था। अब ये जो नए वाले हैं इन पे थोड़ा सा अच्छा HD 630 आ जाएगा। वैसे अगर कोई गेमिंग बिल्ड बना रहा था, उसको तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कैसे हैं, HD 530 हो, 630 हो, 730 हो, 830 हो, क्या मतलब है, मैं तो ग्राफिक कार्ड लगा लूंगा। लेकिन जो ग्राफिक कार्ड नहीं लगाएंगे उसके लिए थोड़ा सा मायने रखता है, अगर अच्छा इंटीग्रेटेड उसको ग्राफिक्स मिल जाते हैं प्रोसेसर में, उसके लिए मायने रखता है। हर कोई गेमिंग बिल्ड बनाने के लिए प्रोसेसर नहीं लेता, कुछ लोग और काम के लिए भी लेते हैं, जैसे कोई वीडियो एडिटिंग वाला है, उसका बजट में वो भी ग्राफिक कार्ड की तरफ देख भी नहीं रहा, वगैरह मैं बाद में लगा लूंगा, लेकिन फिलहाल पैसे नहीं है और मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रोसेसर की। प्रोसेसर तो तगड़ा होना ही चाहिए अगर कोई वीडियो एडिटिंग वाला है, तो वो कह रहा है कि मैं ले लूंगा, तो उसको फायदा हुआ नहीं हुआ, उसको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स थोड़े से तगड़े मिल गए, तो ये चुन्ना मुन्ना सा छोटा सा अंतर है। दूसरा, मैं दोबारा आपसे यही बात कहना चाहूंगा, जो ये
डिफरेंस है ना इन दोनों जनरेशन में, छठी और सातवीं में, स्काई लेक और केबी लेक में, वो ओवरऑल देखने में आ रहा है 5-10% की इंक्रीज एट स्टॉक। मैं भी आपसे नॉर्मली आप देखा नहीं आपने पुराने बिल्ड्स में भी कहता हुआ आया हूं कि हर जनरेशन में करीब करीब 5-10% की कुछ इंक्रीज आ जाती है, बस कोई बहुत ज्यादा कोई बंपर इनाम नहीं खुलते हैं, मतलब 5-10% बस, वो भी एट स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं। स्टॉक भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, फैक्ट्री से ही आएगा ये, इसमें आपको कोई छिड़खानी करने की जरूरत नहीं है। मेजोरिटी ऑफ जो लोग आप बिल्ड बनाओगे वो कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि मेजोरिटी हम ओवरक्लॉकिंग वाले बिल्ड बनाते ही नहीं है। लेकिन बताऊं मैं ये आपको बार बार एट स्टॉक वाली बात क्यों कर रहा हूं मैं, ये फैक्ट्री से आ रहे हैं, ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आपने इन प्रोसेसर को जो थोड़ा बहुत बेंचमार्किंग मैंने देखी है उसमें आप देखोगे तो इन दोनों को अगर एक ही क्लॉक पे अगर चलाया जाए तो सेम परफॉर्मेंस निकालते हैं, सेम जैसे एक ही प्रोसेसर चल रहा हो, एक ही जनरेशन हो। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे नहीं 7600K है, अगर उसका एक कोर 3.8 गीगाहर्ट्ज़ पे आपने चला रखा है, ठीक है, और आप 6600K का भी एक कोर 3.8 गीगाहर्ट्ज़ पे ही चलाओगे ना, सेम क्लॉक स्पीड, दोनों बराबर ही परफॉर्मेंस निकाले, समझ रहे हो आप, कोई अंतर नहीं है। इससे आपको बहुत सी बातें समझ में आएंगी धीमे धीमे, लेकिन ओवरऑल एक बेसलाइन वाली बात ये है कि सेम क्लॉक स्पीड जब होगी तो ये सेम ही परफॉर्मेंस निकालेंगे, कोई अंतर नहीं होगा। फिर आप कीमतें भी अंदाजा कर ही लो, इन सब चीजों को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए कीमतों का भी अंदाजा कर लो, 19-20 कीमत बढ़ के आएगी, 19-20 का मतलब थोड़ी बढ़ के आएगी, ज्यादा बढ़ाओगे तो वैसे भी हम नहीं खरीदने वाले, स्काई लेक में ही कौन सी बुराई थी। और जो बात चल रही है ना कि पैसे घट जाएंगे, मैं सही बताऊं, पहली बात तो ये फ्यूचर वाली बात है तो प्रेडिक्ट करना मतलब इम्पॉसिबल सा ही है, एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है, अंधेरे में गोलियां चलाई जा सकती हैं और कुछ नहीं। लेकिन मैं मेरा अंदाजा जो है मैं सीरियसली बता रहा हूं आपको, घंटा भी इंटेल अपनी कीमतें कम नहीं करने वाला, मैं सीखता हूँ, राइजन आए या कोई भी आए वो नहीं करने वाला, वो ऑलरेडी बहुत आगे हैं, मतलब उनका ये है कि हमने अपना मार्केट ना एक बार बना चुके हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लगातार यार 4-5 सालों से वो राजा ही हैं एक तरीके से आप देखा जाए, और वो मार्केट में पूरी तरह से छाए हुए, पूरी तरह से, मतलब कोई और कंपनी सिवाय एमडी का और कोई है ही कौन सी जो प्रोसेसर में उनसे टक्कर लेगी, तो वो भी उनके सामने खड़ी हुई कहीं दिखाई नहीं देती। आई मीन आप एग्जांपल ले लो यार, अपने जितने भी बिल्ड्स हैं वो सारे इंटेल बेस्ड हैं, एक एमडी पे बनाया था एपीयू पे, क्योंकि उतने सस्ते में जो है सिर्फ एमडी ही काम कर सकता है, बाकी सारे एक तरफ से हमने इंटेल वाले बिल्ड बनाए, समझ रहे हो आप, क्योंकि वो परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं फिलहाल, और वो फिलहाल जो इकोसिस्टम है ना सॉफ्टवेयर्स का भी, सारे गेम्स या जो भी हैं वो सब भी बिल्कुल इंटेल के प्रोसेसर्स के हिसाब से जो है अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे गेम्स हैं, पूरा इकोसिस्टम ऐसा है कि 4 कोर को इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर वो भी नहीं इस्तेमाल कर पाते, कुछ गेम्स हैं जो हाइपर थ्रेडिंग और 4 कोर के ऊपर इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन उनकी गिनती बहुत ही कम है, मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स जो है 4 कोर 4 थ्रेड को ही इस्तेमाल कर पाते हैं। वो तो सीधी बात कहते हैं कि गेम्स वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह भी कहते हैं हमें एक अच्छा कोर चाहिए, तेज वो हमें मिलता है, उसके हिसाब से हम सब चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर वाले भी खुश हैं और पूरा जो इकोसिस्टम है उसके आजू आजू बना हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि एएमडी ने हमेशा जो है बेकारी काम किए हैं, एएमडी ने जुआ ये खेला था कि हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर या जो इकोसिस्टम है वो बने इस तरफ कि वो कोर्स नंबर ऑफ कोर्स को ज्यादा प्रेफर करे, लेकिन ऐसा इकोसिस्टम नहीं बना, ज्यादातर गेम्स या ज्यादातर सॉफ्टवेयर है वो इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि एक पर्टिकुलर कोर कितना तेज है। अभी भी अगर आप चाहो तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बन सकते हैं, गेम्स की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बन सकते हैं जो अभी भी पुरानी बुलडोजर वाली बेकार FX सीरीज जो थी, बुलडोजर वाले बात कर रहा हूँ, बुलडोजर आर्किटेक्चर, पाइल ड्राइवर और एक्सकेवेटर की भी बात नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल ही बुलडोजर की बात कर रहा हूँ, उसको भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो उसके 8-8 कोर अगर हैं तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ढंग से, लेकिन उनकी गिनती बहुत ही कम है और नॉर्मल कंज्यूमर के लिए ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता जो इस तरह से फायदा उठा सके। और दूसरी बात, मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ ना ये फ्यूचर वाली, तो मैं सही बताऊँ मैं रुकने के लिए आपसे कह नहीं सकता, मैं किसी से नहीं कह सकता कि तुम रुक जाओ और तुम चल पाओ, ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, मैं क्यों नहीं सजेस्ट कर सकता, अब एक आप एग्जांपल लो, क्योंकि मैं पता ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ आपसे ये रुकने रुकाने वाली बात, क्योंकि मैं बहुत कुछ देखता हूँ, क्योंकि रोकने वाले होते ना वो तो आदमी को एक एक साल पहले रोक लेते, लिटरली मैंने अपनी आंखों से देखा है। पास्कल पोलारिस आया है अपने, ये भी सेकंड हाफ में आया 2016 के, पास्कल पोलारिस दोनों ही, लोगों ने उससे एक एक साल पहले लोगों को रोकना शुरू कर दिया था, अरे बेटा रुक जा भाई रुक जा, कोई अगर 900 सीरीज वाला ग्राफिक कार्ड खरीदने जा रहा था तो उसको लोग रोक लेते थे, रुक जा भाई पास्कल आ रहा है, पोलारिस आ रहा है, ये और वो, मतलब आप एक बात आप ये सोचो, एक बंदा अगर आपके सामने खड़ा हो बेचारा, वो जेब में पैसे भी लिए रखे बैठा हो और वो कह रहा हो कि मेरे को गेमिंग करनी है, मेरे पास पैसे भी हैं, अगर सब कुछ सही चला तो अगली शाम की रात को, मतलब अगले दिन की शाम में रात को मैं गेमिंग कर रहा हूँ, मैं या तो विचर 3 या GTA 5 की दुनिया में हूँ,
अल्ट्रा सेटिंग वाली बेहतरीन गेमिंग कर रहा हूँ मैं। अब उससे पब्लिक कह दे ना बेटा तू रुक जा, तू 3 महीने रुक जा, तू 6 महीने रुक जा। जरूरी नहीं है कि तू रुके और तू जीत जाए कि राइजन इतना कमाल का है कि तुझे खुशियां ही हो जाए कि पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। जुआ ही है अभी भी कि कैसा निकलेगा, कीमतें क्या होंगी अभी तो किसी को नहीं पता है। अब उस लड़के से कहो कि बेटा तू ऐसा काम कर, ये जो पैसे जो है ना जेब में इन्हें वापस बैंक में जमा करा दे और तू कैंडी क्रश सागा खेल अपने फोन पे, तू 3 महीने 6 महीने गेमिंग में भी भूल जा, तू रुक जा, तू वेट कर। लेकिन एक और बात बताऊं, जो वेट करने वाली बात भी बोलते हैं ना लोग, या तो आप मेंटली तैयार नहीं हो वेट वेट लेने वाले, लिटरली बता रहा हूँ। एक एक महीने पहले लोगों ने 6500 ले लिया घंटा, जिसे नहीं रुकना नहीं रुकना, और उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो गया, ओ नुकसान हो गया, मैं एक महीना रुक जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं उन जिनके पास पहले से है उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मतलब जिसके पास अगर ब्रॉडवेल या उससे भी एक आध जनरेशन पीछे का भी वो प्रोसेसर होगा ना, वो भी दुखी नहीं होगा आज केबी लेक को देख के। वो अगर ठीक है भैया मैं खुश हूँ, कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूटा केबी लेक के साथ भी, वो तो कुछ है ही। इवन मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसने एक महीने पहले भी अगर 6500 लिया होगा ना, तो उसको भी ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। बस वही वाली बात है कि छठी तो सातवीं ले लेता, और कौन सा अभी भी क्या बात कर रहा हूँ मैं, आज हम जनवरी में बात कर रहे हैं, धीरे धीरे ये सस्ते होंगे, अभी मार्केट में आएंगे, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, अभी मार्केट में धीमे धीमे आएंगे, फिर इसका इको सिस्टम बनेगा। और उसकी भी मैं थोड़ी सी और बात करता हूँ, जिस चिपसेट पे जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम करेंगे इसके साथ। जो मैं आपसे एक और एडिशनल बात कर दूं, जो मुझे बिल्कुल ही दिल फिदा वाली बात हो गई ना 7700K को देख के, दिल फिदा वाली बात मतलब, वो ये थी कि ये प्यार से आराम से 5 GHz के बैरियर को पार कर जाता है ओवरक्लॉक। अगर आप में से कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा हो ये क्यों बड़ी बात है और मैं क्यों लूट रहा हूँ जमीन पे कि 5 GHz को पार कर गया ये, वो बात इसलिए बड़ी है, पहली बात तो विदाउट क्रैश स्टेबल 5 GHz के बैरियर को पार कर गया, वो भी किसी कस्टम वाटर लूपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ हाई फाई कुछ किया हो किसी ने, हाई फाई की बात करूंगा ना तो आप मतलब सबकी चीख निकल गई, मेरी सुन के चीख निकल गई, हाई फाई भी का भी किस्सा बताता हूँ आपको। लेकिन घर के मतलब ऑल इन वन मार्केट में जो बिकता है, यानी कि amazon.in पे भी जो एक है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, कॉर्सेयर H100i, यस वो इसमें amazon.in पे भी मिलता है, 10,000 का AIO वाटर कूलर है, मतलब उससे नॉर्मल से ही कोई कमाल के काम करने की जरूरत नहीं है, उससे भी ये 5 GHz के स्टेबल ओवरक्लॉक हो जाता है प्रोसेसर, एक बैरियर टूट गया, समझ रहे हो, 5 GHz पे आपके घर बैठे बैठे ऐसा प्रोसेसर है जो 5 GHz की आपकी स्पीड को ऊपर जा रहा है विदाउट क्रैश स्टेबली। अब पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं मैं तक क्यों लौट रहा हूँ, मैं जैसे कुछ लोगों को नहीं समझ में आता क्या 5 GHz क्या 2.GHz क्या 3.2 GHz, मैं एक ऐसे आपको समझाता हूँ जैसे आपके पास बाइक हो, ठीक है, कई बाइक 100 पे भाग लेती है, पुरानी भी होगी तो भी 100 किलोमीटर पे भाग लेती है, और वहीं कहीं आपको एक अच्छा सा हाईवे मिल जाए, कोई फ्रीवे मिल जाए, आप उस पे चलाओ तो वो 110 किलोमीटर/hr की स्पीड में भी आ जाएगी, आप खुश हो जाओगे, ताली बजाओगे, हाँ मेरी बाइक देखो 100 पे जाती थी और आज 110 पे चली गई, ठीक है आप खुश हो गए। अब सोचो और वो 110 की है बस, 110 किलोमीटर/hr, अब आप उसे मतलब 15 मिनट तक बिना ब्रेक लगाए चलाते रहो तो भी वो 110 से 111 हो जाएगी बस, अब आप मतलब उसे 2 दिन तक भी अगर बिना ब्रेक लगाए फ्रीवे पे चलाते रहो तो भी वो 111 112 से ऊपर नहीं आनी, मतलब वो अपनी बिल्कुल ही सैचुरेट स्पीड पे पहुंच चुकी है, ठीक है आप जानते हो गया इतना। अब उसी को मैं अगर बाइक को ओवरक्लॉक कर देता हूँ, समझ रहे हो आप, ओवरक्लॉकिंग की मैं आपको थोड़ी सी आइडियोलॉजी समझा रहा हूँ, ये वैसे हम ओवरक्लॉकिंग की जो बात है वो बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम ओवरक्लॉकिंग वाला बिल्ड बनाएंगे, लेकिन अभी छोटा सा एक क्रैश कोर्स आप देख लो, उसको मैं बाइक को ओवरक्लॉक कर देता हूँ। कैसे ओवरक्लॉक किया मैंने बाइक को, कुछ ऐसा हाई ऑक्टेन वाला मैंने उसमें फ्यूल डाला पेट्रोल के बजाय, जो उसके सिलेंडर से और काम तेज करवाता है, उसके इंजन के सिलेंडर में बड़े बड़े धमाके होते हैं, और बड़े धमाके होते हैं जो पेट्रोल से होते थे, अब और भी बड़े धमाके होते हैं, पिस्टन और तेजी से काम करता है, और वही बाइक जो 110-112 किलोमीटर/hr पे दम तोड़ देती थी अपना, अब वो फ्रीवे पे आप चलाते हो और वो 130-140 पे बात करती है, चीख नहीं निकल जाएगी आपकी, वही आपकी बाइक आपकी जो 110-112 से ऊपर नहीं जाती थी, आप अपने दोस्तों को नहीं बताओगे बेटा ऐसे मैंने पहुंचा दिया 130-140, चीखे निकल जाएंगी लोगों की, कहीं तो मानेंगे भी नहीं कि ये चली गई इतने पे। अब बात यही आती है ना, कहीं मानेंगे इसलिए नहीं क्योंकि वो कहेंगे भैया इंजन फट जाता है, वो कहेंगे भैया इतनी औकात नहीं है इस इंजन की कि तुम इसमें कुछ भी डाल दो, कोई भी रॉकेट फ्यूल डाल दो, कोई भी जेट से पाइप लगा के इस बाइक में लगा दिया तुमने, जेट के फ्यूल डाल लो इसमें, इंजन फट जाएगा इसका, नहीं चल पाएगा। लेकिन यही बात है, आप उन्हें करके दिखाओगे कि स्टेबली
बाइक जा रही है 140 किलोमीटर, इसने बैरियर तोड़ दिया। अच्छी अच्छी बाइकें नहीं तोड़ पाई थी वो 110 112 किलोमीटर पर आवर वाला बैरियर, आज मैंने ये 140 किलोमीटर के ऊपर जा सकती है ये पर्टिकुलर बाइक, ये बैरियर आज मैंने तोड़ दिया। जैसे बाकी लोग भी ओवरक्लॉकिंग करते थे, बाकी लोग भी अपनी बाइक में ओवरक्लॉकिंग करते थे और तेज तेज भगाते थे, वो भी 132 135 तक पहुंच पाते थे, 140 किलोमीटर वाला बैरियर किसी ने भी नहीं तोड़ा था, ये आपने तोड़ दिया, इसलिए आप ताली बजा रहे हो, पब्लिक भी ताली बजा रही है। वैसे एक बात बताऊं, पहुंचाने को तो अभी हाल फिलहाल की एक खबर आई थी कि यही अपना प्यारा नया चीता 7700K, इसको नाइट्रोजन कूलिंग के साथ 7 GHz तक ओवरक्लॉक किया गया है। 7 GHz, सोच रहे हो आप, मतलब मैं 5 GHz पर जमीन पे लौट रहा था तो 7 GHz पे क्या हाल हो रहा होगा लोगों का सुन सुन के। 7 GHz, कम ऑन, मतलब वही बाइक वाला एग्जांपल ले लो आप कि वही बाइक जो पब्लिक ताली बजा रही थी 140 किलोमीटर पर आवर पे चली गई, उसकी औकात हुआ करती थी 100 किलोमीटर पर आवर पे चलने की, उसे भयानक ओवरक्लॉकिंग करके आपने 140 किलोमीटर पर आवर तक आप ले आए, बैरियर तोड़ दिया, और वही 140 किलोमीटर पर आवर वाला बैरियर भी आपने पता नहीं क्या एलियंस आपको फ्यूल दे गए, ऐसा फ्यूल डाला आपने कि आपकी बाइक का इंजन बिना फटे क्या हो 200 मान लेते 200 को बैरियर को पार कर गए, मतलब दूर, मतलब इस, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा लोग कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। मुझे तो ये लग रहा है बजाज और हीरो होंडा वाले भी आ जाएंगे, वीपी उनके वाइस चेयरमैन वगैरह वाइस प्रेसिडेंट सब आ जाएंगे और भैया चरण कहाँ है तुम्हारे, पैर छुलवा लो, आशीर्वाद दो हमें, 200 किलोमीटर पर आवर का तुमने बैरियर तोड़ दिया। लोगों ने मतलब ओवरऑल 7700K को 7 GHz तक ओवरक्लॉक किया है, ओवरक्लॉकिंग की भी वो, और वो भी ओवरक्लॉक उन्होंने किया है 170 चिपसेट वाले प्लेटफॉर्म पे, 270 पे कैसा करेगा, ज्यादा 19-20 का ही अंतर होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल Z170 चिपसेट पे उन्होंने ओवरक्लॉक किया, हाइपर थ्रेडिंग को बंद कर दिया ऑब्वियसली, 4 में से 2 कोर्स को भी बंद कर दिया ऑब्वियसली, बंद इसलिए कर दिया क्योंकि 4 कोर को, मतलब 4 कोर में दम लगाने से अच्छा है कि 2 ही कोर में दम लगाओ, आप 2 कोर से ज्यादा काम करवाओ, जो उनमें ताकत जाती बाकी बच्चे 2 कोर्स में तो वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते, मतलब 7 तक नहीं जा पाते, इसलिए 2 को ऑफ कर दिया जाता है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि तो 2 को, 1 को क्यों नहीं ऑफ किया, क्योंकि ऑप्शन नहीं होता है, इवन नंबर्स में ही आप बंद कर सकते हो, तो उन्होंने सिर्फ 2 कोर्स को ही ओवरक्लॉक किया, 7 GHz तक पहुंचाया। बाय द वे ये भी एक जानने वाली बात है कि ये अभी भी DDR4 मेमोरी वाले प्लेटफॉर्म पे ही है, कोई इसमें चेंज नहीं हुआ है। एक और मैं आपसे एक बात कह रहा था कि इंटेल ने एक प्रथा तोड़ दी अपनी इस केबी लेक के साथ, वो प्रथा कुछ इस तरीके से थी कि क्या होता था, 1.25 साल में ना इंटेल एक नई जनरेशन देता था तो या तो प्रोसेसर को जो आर्किटेक्चर होता था उसको श्रिंक करता था, जैसे नहीं अभी हम 14 नैनोमीटर चल रहे हैं, अब आगे आने वाली कोई जनरेशन आएगी वो 10 नैनोमीटर की हो जाएगी, तो वो श्रिंक कर दिया आपने आर्किटेक्चर को, तो क्या करते थे 1 साल पे श्रिंक करते थे, 2 साल पे उसको थोड़ा अपग्रेड कर देते थे, ये ऐसे चलाते थे, लेकिन अब वो प्रथा तोड़ दी है इंटेल ने। अब इंटेल ने क्या किया है, एक तो ब्रॉडवेल आया 14 नैनोमीटर वाला, ठीक है, उसको इन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड किया, यानी कि प्रोसेसर श्रिंक हो गया 14 नैनोमीटर का ब्रॉडवेल जनरेशन के साथ, ठीक है। फिर इन्होंने स्काईलेक दी नई जनरेशन, उसको उन्होंने कहा कि इंटेल वालों ने कि ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, यानी थोड़ा सा और इसमें अच्छी अच्छी हमने बातें जोड़ दी है, अभी भी 14 नैनोमीटर का ये, लेकिन अब क्या होना चाहिए था, ये क्या करते थे जोड़ी में चलाते थे ना, अब क्या होना चाहिए था, एक श्रिंक हो जाना चाहिए था, लेकिन इस बार श्रिंक नहीं किया, केबी लेक को भी इन्होंने स्काईलेक और ब्रॉडवेल की तरह 14 नैनोमीटर का ही निकाला है, और अब ये कह रहे हैं कि हमने इसे ऑप्टिमाइज कर दिया है और ज्यादा एफिशिएंट बना दिया है। अच्छा वैसे मैं ये कह रहा हूँ, प्रथा तोड़ दी है इंटेल ने कि ये वैसे जोड़े में काम करता था कि श्रिंक करा फिर उसे अपग्रेड करा फिर श्रिंक करा फिर अपग्रेड करा, और अब ये कह रहे हैं कि अब हम ऑप्टिमाइज भी कर रहे हैं। वैसे ये प्रथा जो है ये पहले भी तोड़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल जनरली वो ये रूल फॉलो करते थे, हम एक जनरेशन में श्रिंक करेंगे दूसरी को अपग्रेड करेंगे। वो बताऊं इंटेल पे भी जोर नहीं है, मैं बताऊं इंटेल पे फर्क नहीं पड़ रहा अभी घंटा भी, पिछले 4-5 साल से तो इंटेल ही देख रहा है कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। एक 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 मैं आपको कमाल की बात बताता हूं, आपको समझ में आएगा ये लोग भी कैसे काम करते हैं। अब मान लो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो इनकी जो नई नई प्रोसेसर आती है उसको टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में ही कि ये 14 नैनोमीटर से हम 10 नैनोमीटर चले जाएंगे ये जनरेशन बदलने में ही दम निकलती है कंपनियों की, बहुत बहुत पैसा जाता है, billions of dollars, मतलब इतना पैसा जाता है कि एक बार कोई स्पेस मिशन सस्ता पड़ जाएगा ये प्रोसेसर को श्रिंक करना महंगा पड़ जाएगा, इतना पैसा जाता है। अब आप एक बार बताओ, जो मेरा अच्छा खासा स्काईलेक चल रहा है, ठीक है, अच्छा खासा वो अच्छा प्रोसेसर है
और गेम्स के साथ भी अच्छा चलता है, बाकी प्रोसेसर के साथ भी अच्छा चलता है। जो पूरा इकोसिस्टम है, जो पूरा कंप्यूटिंग का, वो मेरे प्रोसेसर से पूरी तरह से डिपेंडेंट है। मेरा कोई घंटा भी कॉम्पिटिटर नहीं है और मेरा खुद का भी प्रोसेसर बहुत अच्छा है। मैं क्यों लगाऊंगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स? अगर मैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के एक नया और बहुत ही चमत्कारी सीपीयू बना देता हूं, वो कॉम्पिटिट पता किसके साथ करता है? वो मेरे ही प्रोडक्ट के साथ कॉम्पिटिट कर रहा है, जो ऑलरेडी मेरा इतना अच्छा प्रोडक्ट था, जो बिक रहा था। मैंने अपना ही एक प्रोडक्ट लाके उसके कंपटीशन में रख दिया। लोग मेरा तो खरीद ही रहे थे। क्या खरीद नहीं रहे होते तो मैं नई चीज लाता ना। मेरा कोई कंपटीटर होता जिसके प्रोसेसर बिक रहे होते, उसका भी पैसा छीनने के लिए कोई मैं नई टेक्नोलॉजी लाता ना। मेरा तो प्रोसेसर बिक ही रहा है, मैं क्यों करूं डेवलपमेंट? और ये तो कोई ढगी छुपी बात नहीं है इंटेल की, ये कि कोई साजिश हो, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इंटेल खुल के बोलता है अभी हम नहीं कर रहे अभी कोई डेवलपमेंट, घंटा भी नहीं कर रहे। दिखा भी दिया उन्होंने, केवी लेक के साथ उन्होंने दिखा भी दिया। वो पहले से ही सोच रहे थे हमें नहीं करना, हमारा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, क्यों करें? और बेसिक सी बात है, आप भी समझ जाओ धंधे वाले आदमियों, क्यों मैं अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐसी चीज में लगाऊं जो ऑलरेडी मेरी काम कर रही है? मैं अपना वही बिलियंस ऑफ डॉलर किसी और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, रिसर्च सेंटर में लगाऊंगा ना, जिससे कि मैं और, जैसे आज तक मैंने राज किया है प्रोसेसर्स में, वैसे ही मैं किसी और टेक्नोलॉजी में राज करूं जिससे और पैसा बने हमारा। और एएमडी ने भी ऐसी इतनी भद्द पिटवाई है कसम से। अब मतलब एफएक्स सीरीज के बारे में मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन बिल्कुल ही उसने, और अब वैसे एक बात बताऊं, वैसे दुख की बात ये, डेवलपमेंट होना चाहिए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो, कौन से हमारी जेब से जा रहे थे? डेवलपमेंट तो इंटेल को करना था ना, लेकिन वो होना चाहिए था डेवलपमेंट, हमें आगे जाना चाहिए था। अगर यही छोटी सोच रखी होती तो आज हम ये स्काईलेक और स्काईलेक जैसा, कम से कम स्काईलेक बहुत बढ़िया जनरेशन थी, स्काईलेक जैसी जनरेशन हमने देखी नहीं होती। या जो भी आज तक डेवलपमेंट होता हुआ आया है जीपीयूज का और सीपीयूज का, वो हमने नहीं देखा होता अगर इनमें कंपटीशन नहीं होता। लेकिन अब है ही नहीं कंपटीशन, इंटेल को डर ही नहीं है। इवन अगर उन्हें होगा भी ना ऑलरेडी, वो उन्हें पता डर क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि एएमडी उनसे आगे निकल जाएगा और फिर वो कहेंगे वापस ड्रॉइंग बोर्ड पे जाएंगे कि दोबारा से नया प्रोसेसर बनाओ। उनका ऑलरेडी डेवलपमेंट चल रहा है। जैसे उनकी अभी भी आप जगह इन्फॉर्मेशन अगर लो, उनके 10 नैनोमीटर वाले प्रोसेसर तैयार है, वो रिसर्च उन पे चल रही है, वो तैयार है, वो नाम तक दे देते हैं कि ये आएगा। इवन प्रेडिक्ट तक कर देते हैं कि 2018-2019 में हम ये लॉन्च करेंगे, तब तक रिसर्च चलेगी, टेस्टिंग चलेगी और डेवलपमेंट्स होंगे उनके। चलिए ये तो बात हुई है कि ये कॉर्पोरेट कंपनीज कैसे काम करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक जो जैसे नहीं मैं अभी तारीफ कर रहा था कि ओ 5 गीगाहर्ट्ज़ तक पहुंच गया 7700 के, एक बेवकूफी की बात बताऊं आपको, इन्होंने जो i3 निकाला है ओवरक्लॉकेबल, क्या नाम है उसका, i3 7350K, चलो लेके देखेंगे। हाँ i3 भी ओवरक्लॉक्ड है, उसमें भी एक तो पहली बात तो आप भी जानते हो ओवरक्लॉकिंग में अच्छा खासा पैसा घुस जाता है। पहले तो जी चिपसेट वाला मदरबोर्ड खरीदो, वो सस्ते नहीं आते, वो महंगे ही आते हैं। दूसरा पैसा घुसेड़ो कूलर में, एक अच्छे कूलर में, ऐसे वैसे कूलर में नहीं, एक अच्छे सीपीयू कूलर में भी पैसे घुसेड़ो। अभी तक तो हमने जितने बिल्ड किए हैं उसमें तो मजे लेते हुए आए हैं, अभी तक जितने भी बिल्ड किए हैं वो नॉन के प्रोसेसर्स थे, उन सबके साथ तो सीपीयू कूलर आता था, उसमें कभी हमने पैसे लगाए नहीं है, लेकिन अब उसमें भी लगाओ। लेकिन चलो ठीक है, i3 कितना फायदा होता है, कहाँ जगह है, वो भी देखेंगे। लेकिन ओवरऑल मुझे, मैं ये पता बेवकूफी क्या लग रही है मेरे को, इंटेल ने i3 के अंदर ओवरक्लॉकिंग दी है, टर्बो बूस्ट नहीं दिया। मतलब टर्बो दे देते यार तो सबका ही भला हो जाता, जनरल पब्लिक का भला हो जाता, टर्बो नहीं दिया, उसमें ओवरक्लॉकिंग दे दी। खैर भैया इंटेल का दिमाग, और नए प्रोसेसर लाइनअप के साथ इंटेल जो है अपने नए नए चिपसेट भी निकालता है, या तो नए निकालता है या फिर रिवाइज्ड प्लेटफॉर्म्स निकालता है। तो Z270 जो है वो थोड़ा सा रिवाइज और स्लाइटली अपडेटेड प्लेटफॉर्म है। और जो खास बात है, बेसिकली खास बात है, जो नई चीज है, बिल्कुल नई चीज है, वो आपको बतानी चाहिए क्या ऑप्शन आए हैं इस बार नए चिपसेट के साथ। पहली बात तो अगर आपने मदरबोर्ड वाला नहीं देखा है वीडियो, तो वो तो आप जरूर देखो, तो आधी से ज्यादा बातें आपको समझ में आ जाएंगी ये चिपसेट्स कैसे बिहेव करते हैं। मतलब वही वाली बात है ना, अगर आपने थर्ड फोर्थ क्लास पास नहीं की है तो फिफ्थ सिक्स में तो फेल हो ही जाओगे। लेकिन फिलहाल बात यह है कि Z270 जो है वो कंपेटेबल है अपना ऑप्टेन, नई टेक्नोलॉजी आई है ऑप्टेन, बेसिकली वही वाली बात है, ये आपके जो सिस्टम परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट करेगी। कैसे बूस्ट करेगी? एक मैंने आपको नहीं वो 70,000 बिल्ड में जो आपको पूरा मदरबोर्ड की जो सत्यनारायण की कथा सुनाई थी एक घंटे की, उसमें मैंने आपको बताया था स्मार्ट रिस्पॉन्स SSD कैश, जो स्मार्ट रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी नहीं इंटेल की तरफ से आती है, कि वो स्मार्ट रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी वो करती थी, वो क्या कहते हैं, मेरे भी दिमाग से हल्का सा निकल रहा है, जो आपकी SSD थी उसको हम कैश बना लेते थे सिस्टम के लिए। यानी कि हमारी जो हार्ड डिस्क होती थी, हमारी HDD होती थी, हमारी रोटेटरी हार्ड डिस्क होती थी, जैसे कि कैवियर ब्लू है वो थोड़ी स्लो होती है वो हम जानते हैं, तो
SSD फास्ट होती थी, तो क्या करते थे हम SSD को कैश बना लेते थे उस हार्ड डिस्क के लिए, तो ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाती थी। अब वही चीज क्या है, वो PCI स्टोरेज जो होती है उसको अब आप कैश बना सकते हो ओवरऑल सिस्टम की। आप समझ सकते हो SSD तेज होती है हार्ड डिस्क से, और SSD से भी अच्छी खासी तेज होती है PCI एक्सप्रेस स्टोरेज। मतलब मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आई मीन कम ऑन यार, PCI एक्सप्रेस लेंस पे आपकी स्टोरेज लगी हुई है जिसपे GPU लगे होते हैं। आप समझ रहे हो, PCI लेंस जो इतनी तेज होती है उसको GPU इस्तेमाल करता है जिससे भयानक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है बहुत तेजी के साथ GPU को, और उसी PCI एक्सप्रेस लेंस पे आप अपनी स्टोरेज लगाते हो, भयानक तेज होती है, भयानक तेज भी होती है फिर भयानक महंगी भी होती है। इसलिए ऑप्टेन शॉपटेन जो है ना, वो थोड़ा सा, एक तो पहले तो आप यही बात समझ जाओ, मैं Z चिपसेट वाले प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, अभी तक हमने इस्तेमाल भी नहीं किया किसी बिल्ड में। ओवरक्लॉकिंग वाले बिल्ड में इस्तेमाल करेंगे तब और ओवरक्लॉकिंग वाले और बात करेंगे। वैसे चिपसेट्स की जो सारी बातें हैं, सारी इंफॉर्मेशन है, वो 70K बिल्ड वाले वीडियो में बता ही चुका हूं मैं आपको, लेकिन अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया है। नॉर्मल और जनरल पब्लिक जो होती है वो Z चिपसेट पे नहीं जाती, अंग्रेज भी बहुत कम जाते हैं यार, हिंदुस्तानी की तो बात अलग है, और उसमें भी तुम बात कर रहे हो M.2 स्टोरेज की, मतलब और पैसा घुसेड़ू, वो अच्छा खासी महंगी है। यहाँ तो मैं आपको सजेस्ट करने में घबराता हूँ SSD, क्योंकि अभी SSD भी बहुत महंगी है। मतलब भाई यार आप देखो, रोटेटरी हार्ड डिस्क जो अपनी कैवियर ब्लू वगैरह है, इसके मुकाबले में तो महंगी है ही, और उसके ऊपर भी मैं आपको कहूँ M.2 ले लो, और इतनी तेज स्पीड का करोगे क्या, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। अगर आप लिटरली कोई बिजनेस वाले हो, समझ में आता है, जैसे आप मान लो आपका बिजनेस है वीडियोग्राफी का बिजनेस है मान लो, ठीक है, अब आप रोज जो है इतनी शूटिंग करते हो, और वो कई आपके पास 4K भी वो फाइल्स हैं, और आप अपनी वीडियो जो है वो रॉ में शूट करते हो, तो और बड़ी फाइल्स होती हैं। 4K भी बात नहीं कर रहा मैं, तो 1080p पे भी बात कर रहा हूँ, चलो वो भी मान लो, बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, खूब सारा डाटा होता है, आप क्या घंटे भर बैठ बैठ के आप उसे कॉपी करते रहोगे? उस आदमी के लिए समझ में आता है उसको जितनी भी स्पीड मिले उतनी कम है, समझ में आता है, उसका धंधा चलता है जिस स्पीड पे वो बैठा नहीं रह सकता, उन सब के लिए ये हाईफाई चीजें समझ में आती हैं। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए ना मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, मैं एक बार दोबारा कहता हूँ यही बात को रिपीट करके, कि एक जनरल पब्लिक से आप कह रहे हो, पहले तो बेटा तू खरीद Z चिपसेट वाला मदरबोर्ड, ठीक है वो महंगे आते हैं, फिर तू खरीद M.2 तब तेरे को फायदे होंगे। लेकिन ओवरऑल टेक्नोलॉजी एक डेवलपमेंट के रास्ते पे है, वो बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन अभी पूरी जो जानकारी है वो ऑप्टेन के बारे में अभी नहीं आई है, वो जैसे जैसे आएगी लोग उस पर टेस्टिंग करेंगे तो अपन लोग और ज्यादा ज्ञान विज्ञान की बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बेसिकली एक बार मैं और रिपीट कर दूं, जो ऑप्टेन जो है, जो इंटेल की स्मार्ट रिस्पॉन्स SSD वाली, जो वो कैश वाली इंटेल रिस्पॉन्स स्मार्ट रिस्पॉन्स वाली टेक्नोलॉजी इंटेल की आती थी उसके जैसी है, यानी कि जो फास्ट वाली स्टोरेज है उसको आप अपने सिस्टम की कैश बना लो। अब अगर आपको ये सारी बातें नहीं समझ में आ रही, कैश क्या होता है, टर्बो क्या होता है, यानी कि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, तो यहाँ हम करेंगे एक शेमलेस प्रमोशन के, पुराने वाले वीडियो देखें आप, वो सीधी सी बात है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, भैया थर्ड आपने क्लास पास नहीं की है तो कैसे 6th क्लास में आप पास हो पाओगे, फेल हो जाओगे ना। अच्छा, ये ऑप्टेन शॉपटेन जो मैंने बात कर दी ना, वो एक और बात मैं यार रिपीट करता हुआ चलूं, मैं किसी H270 या कोई B250 की बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये ऑप्टेन चाहिए, ये हाईफाई चीज जो है ऑप्टेन, ये भी अगर आपको चाहिए तो आपको Z270 चाहिए और KB Lake वाला प्रोसेसर चाहिए। फिलहाल इससे कम में कुछ काम नहीं चलेगा, यानी कि Skylake ले लो तो भी ऑप्टेन नहीं मिल रहा, और Z270 चिपसेट भी अगर आपने यूज नहीं कर रहे हो तो भी आपको ऑप्टेन नहीं मिल रहा। ये ऑप्टेन पे मैंने थोड़ा इसलिए ज्यादा इंफेसाइज कर दिया क्योंकि एक नई चीज आई है नए चिपसेट के साथ, बाकी सब तो आप जानते ही हो, जो सब कुछ होता है जानने के लिए एक मदरबोर्ड के बारे में, वही मैं दोबारा कहूंगा, वो पिछले वीडियो में 70K बिल्ड वाले वीडियो में बता ही चुका हूं मैं। अब एक और नई बात, ये इंटेल ने जो है 14 नैनोमीटर प्लस जोड़ दिया है आगे। भैया 14 नैनोमीटर का है लेकिन ये प्लस हमने इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड है। और एक नई बात, इंटेल जो है अब वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कर्व भी देता है, ठीक है, ओवरक्लॉकिंग वालों के लिए है वैसे ये बात, जनरल पब्लिक के लिए ये भी नहीं है। आप देख रहे हो जो भी ज्यादा एडवांस वाली चीजें हैं वो अपन लोगों के लिए नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो ना कि ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लिटरली मैं ये जानता हूँ, हर कोई बहुत ही कम लोग होते हैं जो ओवरक्लॉकिंग बिल्ड बनाते हैं, मैं बता रहा हूँ। और सीधी सी समझदारी वाली बात है, आप अपना जो मेजोरिटी ऑफ द पैसा है, पहली बात तो महंगा शौक है, हजार वाला बिल्ड PC बिल्ड करना बहुत ही हजार वाला शौक है, उसमें भी आपका जो मेन बजट है, मैं तो साफ साफ कहता हूँ, GPU और CPU में लगना चाहिए, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। और ओवरक्लॉकिंग कितनी फायदेमंद होती है, किसके लिए होती है, वो जिस दिन हम ओवरक्लॉकिंग वाला बिल्ड करेंगे उसमें डिस्कस हो जाएगा और आपको वो भी पूरी फिलॉसफी उसकी समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है।
ओवरक्लॉकिंग करते हो ना आप, मैन्युअली करते हो। वैसे तो कई तो मतलब जो है पहले से ही सेटिंग्स आती हैं, आपने अपनी सेटिंग चूज कर ली, वो ओवरक्लॉक हो गया, फिर आप मैन्युअली करते हो, थोड़ा थोड़ा वोल्टेज बढ़ाई, थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, वो भी डिटेल में ओवरक्लॉकिंग वाला करेंगे। अभी कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, जब करेंगे बिल्ड तब मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि कैसे ओवरक्लॉकिंग होती है, कैसे करनी चाहिए, सेफली किसके लिए फायदा है, जो भी उसके पीछे जितनी भी राम कहानी होती है वो सब मैं बता दूंगा आपको। लेकिन फिलहाल एक छोटी सी बात जान लो, अभी तक हम क्या करते थे, थोड़ी थोड़ी वोल्टेज बढ़ाई, थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, लेकिन फिलहाल अब इंटेल जो है कर्व दे देता है कि आपने अगर वोल्टेज बढ़ा दी तो अपने आप ही फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इंटेल की जो नॉलेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंटेल अपनी रेफरेंस टेबल दे देगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो हजारों हजार प्रोसेसर्स पे ये टेस्ट कर चुके हैं, कैसा बिहेव करेंगे सारे प्रोसेसर्स वो इस बात को टेस्ट कर चुके हैं। लेकिन फिर ये वही वाली बात डिपेंड करती है, ये मैन्युफैक्चरर पे बेस करता है, मैन्युफैक्चरर आपको बताएगा कि मैं ये इस्तेमाल करूंगा या नहीं। मैन्युफैक्चरर कहेगा अब घंटा मैं नहीं इस्तेमाल करता, मेरी अपनी अकल अलग काम करती है, मैं नहीं कर रहा हूँ रेफरेंस टेबल इस्तेमाल, तो कोई नहीं करना चाहेगा तो अब दे रहा है इंटेल। दूसरी एक और बात कि अब इसमें जो है तीन M.2 के सपोर्ट है, फिर वही वाली बात कहूंगा, भैया नहीं है पैसे M.2 खरीदने के जनरल पब्लिक के पास, किसी के पास हो जो M.2 खरीद लेता हो, मतलब जैसे कई लोग आप में से हो सकता है अमीर हो जो Z चिपसेट पे नजर रखते हो, M.2 मेमोरी खरीदना चाहते हो, तो उनसे मेरी गुजारिश यही है कि मुझे अपना फ्रेंड बना लो प्लीज, मेरी भी जिंदगी में कुछ खुशियां आए। लेकिन बात ये है कि अगर वैसी वही वाली बात कर रहा हूँ, जैसे कोई चाहता अपने बिजनेस के लिए बहुत तेज स्पीड, तो अब आपको जो है 3M.2 स्टोरेज में भी इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी आप लगा सकते हो, मतलब उस पर रेड लगा सकते हो। रेड आप जानते ही हो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वही 70K वाले बिल्ड में रेड क्या होता है, आप ऑप्शंस चूज कर सकते हो, अपनी हार्ड डिस्क को चाहो तो बैकअप बना सकते हो 2M.2 को। ये ओवरऑल मैं अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहा रेड के बारे में, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये होता है कुछ फायदे होते हैं, चाहो तो अपनी अगर आपके पास दो हार्ड डिस्क हो, हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ, दो स्टोरेज हो, अपनी स्पीड डबल कर सकते हो, या फिर आपके पास दो हो तो आप चाहते हो कि एक हार्ड डिस्क पे जो सेव हो रहा है वो दूसरी पे भी सेव हो, जिससे कि ऑटोमेटिक अपने आप बैकअप बनता रहे, इस तरह की चीजें होती है रेड में, अब वो M.2 में भी कर सकते हो इस चिपसेट के साथ। फिलहाल 3M.2 तक का सपोर्ट दे रहा है Z270, लेकिन फिर वही वाली बात आती है, मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है वो देता है नहीं देता है। लेकिन कुछ नए बोर्ड्स में मैं देख रहा हूं, दो तो आ ही रहे हैं कि दो तो M.2 दे ही दो, पब्लिक मैन्युफैक्चरर दे रहा है दो M.2 तो दे रहा है। कोई बहुत ही हाई फाई मदरबोर्ड आएगा बहुत ही महंगा वाला Z270 चिपसेट के साथ, जिसमें शायद 3M.2 हो, लेकिन अपना घंटा भी कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। कोई आप में से अमीर हो बेसिकली तो बहुत ही अच्छी बात है, और आपको भगवान और तरक्की दे और मुझे अपना दोस्त बना लो आप, मैं दोबारा कहूंगा बेसिकली। लेकिन हम इस चैनल पे जो जनरल पब्लिक जो खरीद सकती है उसके बारे में बात करते हैं। चलो गाइस, और मेरे पास कुछ कहने को है नहीं, वैसे और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी ना अब इसके बारे में तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ यहाँ जाते जाते मैं बता दूं, वैसे 7 जनवरी को 7700 के अपने Amazon.in पे लॉन्च हो गया है, 35,000 का बिक रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा महंगा है, सस्ता होना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर आप उसके दर्शन करना चाहें तो लिंक में कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी ना इससे रिलेटेड, या आगे आने वाले जैसे 7500 आएगा वगैरह वगैरह जो भी प्रोसेस आते हैं, या उसके बारे में जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ भी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में आगे मिल जाएगा, इसे मैं अपडेट करता रहूंगा जो भी लेटेस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। इसलिए आप अगर भविष्य में ये वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें, हो सकता है उसमें कुछ एडिशनल बातें हो जो मैंने वीडियो में ना कही हो। और इसके साथ साथ अगर कोई और इन्फॉर्मेशन भी होती होगी तो वो मैं फेसबुक पे शेयर कर ही देता हूँ, जैसे ही कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में मैंने शायद कल या परसों में किया था, आपको बताया था वो डीप कूल वाला जो अपना पुराना लेजेंडरी केस है वो सस्ता हो गया है दोबारा, तो वो मैंने शेयर कर दिया, मेरे किसी को लेना हो तो देख लो जाके, वो भी बड़ा रहस्यमय केस हो रहा है उसकी, जब तक कीमत बढ़ जाती है 45,000 का बिकने लगता है फिलहाल, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे आ गया 3,250 वाली पे, तो इसलिए मैंने वो शेयर कर दिया। इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी ना तो वो मैं फेसबुक वाले पेज पे कर देता हूँ शेयर, तो उसको आप देख लेना वहां पे फेसबुक पे, ठीक है। चलो मैं चलता हूँ अब गाइस, मेरा भी गला सूख रहा है बोलते बोलते, चलो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा बाय बाय।